यह सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। भरत ने भी मेरा त्याग कर दिया, लेकिन एक बात है, रोती रोते कैकेयी माता हंसने लगी और बोली, आज मैं धन्य हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हो गई, क्यों, मेरे पुत्र भरत ने मेरा त्याग किया ना, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अच्छा, भरत ने त्याग किया तो प्रसन्न क्यों? कैकेयी जी बोली, इसलिए मैं धन्य हो गई आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया, मैं धन्य हो गई आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया, कीच ही सही मलमई किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं भले ही कीचड़ हूं पर भरत ऐसे कमल का जन्म इस कीचड़ से हुआ, मेरी दुर्गंध विनीत बहे पर पुष्प मेरा सौरभमय है, रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित वही गौरवमय है। लेकिन वे तो आपको मां नहीं कहते, भरत जी ने कभी मां नहीं कहा आपको, कैकेयी जी बोली मैं जानती हूं, मुझे सबने समझाया मुझे समझ नहीं आई, पर भरत ने घोरतम पल में नसाए दीनों दिखाए विमल ज्ञान को, उजेरो है और तू मेरी नहीं कोई, विनीत वह भले ही कहे पर मैं तो यह कहूंगी सपूत वह मेरो है, मैं तो उसे पुत्र कहूंगी। यह है अयोध्या, यह है राम कथा, धन्य है राम जी का परिवार। दूसरे दिन सभा लगी, गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान, माता कौशल्या विराजमान और सब माताएं विराजमान, मंत्री जन पुरजन परिजन सब। अब यही हुआ, गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, राय राजपद तुम कहां दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्यपद दिया है भरत, तुम सिंहासन पर बैठो, पिता की आज्ञा है और मैं भी कह रहा हूं, और अगर उचित न लगे तो जब तक राम जी लौट कर न आवे तब तक सिंहासन पर बैठो, उनके आने पर राज्य सौंप देना। गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, माता कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, गुरुदेव की आज्ञा पथ्य समझकर स्वीकार कर। मंत्री जनों ने कहा, कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहीं सचिव कर जोड़, अवश्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। अच्छा, भरत जी सबकी बात सुनते हैं लेकिन यही कहते हैं, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं सो ठीक है पर मेरा निवेदन सुन ले, मुझे यह पद नहीं चाहिए, मुझे इस पद पर न बिठाओ गुरुदेव। क्यों भरत, तुम पद पर नहीं बैठना चाहते तो क्या तुम यह सिद्ध करना चाहते हो कि तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे? तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं इसलिए पद छोड़ रहा हूं। अरे त्यागी लोग पद छोड़ते हैं, लोभी आदमी थोड़ा ही पद छोड़ता है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? कहा किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है, किसी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? हाँ है। कौन? आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुना, देखे बिनु रघुनाथ पद पद जिय के ज।
जलने न जा। राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता और गुरुदेव अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल है दो, और जिसे दो दो पद मिल रहे हैं वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। राम चरण सुख भज मन, राम चरण सुख भज मन, राम चरण सुख 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 राम चरण। धाय भजवन राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई चरण 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 राम चरण देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। गुरु जी ने कहा कि अगर मैं जबरदस्ती तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊं तो नहीं बैठोगे? भरत जी बोले बैठना पड़ेगा, गुरुर आज्ञा गरी ऐसी, किंतु परिणाम बुरा होगा। मोहि राज हठि देहउ जबहिं रसा रसातल जाई है तबहिं, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी अगर मुझे सिंहासन पर बिठा देंगे तो। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात कहते हो, इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। भरत जी ने कहा गुरुदेव एक बात कहूं? हां, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी, वह तो रसातल को चली ही जाएगी। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, क्या चाहते हो? प्रात 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 काल चली प्रभु प्रात काल चले प्रात काल चले। ये निर्णय हुआ घर घर में तैयारी, पर वृद्धों युवकों में झगड़ा। बूढ़े कहें राम जी से तो मिलने जाओ लेकिन पहले घर मकान दुकान दफ्तर ये सब इंतजाम करके तब जाओ। युवक बोले आग लगा दो, जरा उस संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाय सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहज सहाय, आग लगा। पर वृद्ध बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़े ही, चलो भरत जी से फैसला करें। युवक कहते हैं कि राम जी से मिलने चलो चाहे इसमें आग लगे,
और वृद्ध कहते कि नहीं, यहां का इंतजाम पहले करो, फिर राम जी से मिलने चलो। भरत जी से फैसला कराया गया। भरत जी से कहा, आप बताएं। भरत जी ने कहा, यहां की व्यवस्था पहले। युवक बोले, राम जी के लिए आप छोड़ नहीं सकते ये? भरत जी बोले, छोड़ सकता हूं, पर अपनी ही संपत्ति का तो व्यक्ति त्याग करेगा? और संपत्ति सब रघुपति के आई, तो छोड़ने वाला मैं कौन? अच्छा, ऐसा त्याग करना पड़े तो कोई भी त्यागी हो सकता है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, श्री कृष्ण जन्मोत्सव था, तो सभी आनंद में जय कन्हैया लाल की भाव से नृत्य कर रहे। एक सज्जन मंच पर ही चढ़ गए, वो मंच पर ही जय कन्हैया लाल की, और इतना कहते तो कहते रुपए उछालने लगे, 1,000, 500, 100 जय कन्हैया लाल की जय। का ये नोट कौन बरसा रहा? एक ने, अरे अपने गांव का सबसे कंजूस आदमी, इसने तो कभी चवनी नहीं दी। किसी ने कहा, कथा का पूरा असर इसी पे हुआ। दूसरा बोला, हे भगवान, कलयुग चला गया क्या? ये और बदल क्या? दूसरा बोला, बदल तो नहीं सकता। तीसरा बोला, जरा गौर से देखो। गौर से देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा। जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय। अरे वो कोई अपनी झोपड़ी में आग लगा है, कहे भाई क्यों आग लगा रहे? बोले बस त्याग मर रहा, बैराग मर रहा है, तो त्यागी माना जाए। और किसी के मकान में किराए का कमरा लेके रहे और फिर आग लगा दे, क्यों? बोले बस त्याग। अरे त्यागी नहीं, अपराधी, वो उसे फूंक रहा जो है ही नहीं उसका। भरत जी कहते, हम छोड़े तो अपराधी हैं। जो बिनु जतन चलो तज ताही तो परिणाम न मोर भलाई। अच्छा, तो आप नहीं छोड़ सकते? भरत जी बोले, ना, तो राजा बन जा। तो नहीं छोड़ते तो मालिक बनो। भरत जी बोले, वही समस्या है यहां भी, अपनी चीज हो तो मालिक बने, अपनी हो तो त्याग करें, और अपनी संपत्ति हो तो मालिक बने। राम जी की संपत्ति है तो न मालिक बने, न त्यागी बने, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में, पद्म पत्र विवाम। अस विचार सुख सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सबको व्यवस्थित किया और श्री भरत जी प्रस्थान करते हैं। सवारियां अलग अलग हैं पर सबका लक्ष्य एक है। संत कौन? जिसके साथ सब चल सके, या जो सबको साथ लेकर चल सके, वह संत। अच्छा, सवारियां अलग अलग मतलब साधनाएं अलग अलग भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति है तो ठीक है, चले। कोई हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, अब हाथी पर बैठकर जाना यह मानो ज्ञान निष्ठा का सूचक है। हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, जिसका विचार बड़ा, दृष्टि सूक्ष्म, ज्ञान। और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, क्योंकि मानस में धर्म रथ का उल्लेख। और घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी, चंचल, योगस चित्तवृत्ति निरोध, इंद्रियों के घोड़ों पर संयम की लगाम। और डोली में बैठकर जाने वाले भक्त, डोली में तो बस बैठना है, और डोली वैसे ही भक्त विश्वासपूर्वक बैठे। लेकिन भरत जी पैदल जा रहे हैं, और ये पैदल चलने वाले कौन है? का पैदल चलने वाले दो पांव से चलते, एक पांव आगे एक पीछे, फिर वो आगे फिर वो पीछे। ये दो पांव से चलने वाले, ये राम नाम के दो अक्षर रटने वाले हैं। रे मन तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले, भगवान नाम बस। अब भरत जी को पैदल चलते देखा तो सेवकों ने कहा, घोड़े पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा कि राम जी पैदल गए और हम घोड़े पर बैठ कर जाएं, हमें तो इस रास्ते में सिर के बल चल कर जाना चाहिए। सुनी सेवक गण गरही गलान। पर भरत जी को पैदल चलते देखा तो सब पैदल चलने लगे, सभी लोग। दृष्टि कौशल्या माता ने कहा कि भरत, तुमको पैदल चलते देखकर ये सब पैदल चल रहे हैं, संदेश गलत जा रहा है। अर्थात हम ऐसा आचरण न करें ताकि लोग साधनाएं छोड़ दें, नियम छोड़ दें। तो इनके लिए बैठ गया, गुरु जी के संग रथ में बैठ गए। और रथ जब श्रृंगवेरपुर के पास आया, सेना और सुन्नखाद राज को समाचार मिला, तो भरत जी के साथ सेना और ये, बस निखाद राज को भ्रम हुआ
भाई तैयार हो जाओ, सन्मुख लोह भरत सन ले जियत न सुरसरी उतरन देऊ, समर मरण पुरी सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। और आज तैयारी करो, तैयारी होने की बात कही, इतना कहत छींक भई बाई, बाई और छींक हुई। ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषी बोले बाई और छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी। पर उम्र की अपनी महिमा होती, आयु का अपना अनुभव होता है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले के जीवन में आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है, महाराज मनु का वचन है। और वृद्ध का सम्मान किया निखादराज ने। वयोवृद्ध ने कहा कि बाई ओर छींक होना शुभ है, ज्योतिषी बोले शुभ है। तो कहा यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। निखादराज ने कहा कि नीक कहे बूढ़ा और वृद्ध की बात मानने से झगड़ा टल गया। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग, लगे आग तो रुके कौन, पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा खूब तेज भाग सकता था, पर उधर ही भागे जिधर आग लगी थी, उसे दिखता ही नहीं था, और लंगड़े को आग दिखती थी तो भाग नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे को आवाज दी कि भैया दोनों जलेंगे, एक काम करो, क्या तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंखें हमारी पांव तुम्हारे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों आग से बच गए। कहानी साधारण है पर संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे आज भी चारों तरफ अशांति की आग लगी है, घर घर में राग द्वेष ईर्षा की आग लगी है, सब जगह सब समाज में आग लगी हुई है। पर दो मिल जाए तो आज भी समाज इस आग से बच सकता है। कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? का अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। निखाद राज ने वृद्ध की बात मानी, झगड़ा टल गया। कहा लेकिन तुम तैयार रहो। भेंट लेकर गए, कंदमूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठी न पुराने, भरी भरी भार कहां रन आने। सब चीजें लेके गए, कंदमूल फल सात्विकी वृत्ति के पहचान के लिए, खगमृग रजोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए, और मीन पीन पाठी न पुराने तमोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए। लेकिन भरत तो त्रिगुणातीत है। और उस समय श्री निखाद राज ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। देख दूरी तें कही निज नाम। और वशिष्ठ जी ने देखा तो यह नहीं देखा कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है, और यह भी नहीं देखा कि यह निखाद है। संत की दृष्टि क्या? कहा जान राम प्रिय दीन आशीषा, ये राम जी का प्रिय है बस, ये ठीक है आशीर्वाद। भरत जी ने पूछा गुरुदेव यह कौन है? तो गुरु जी परिचय में क्या कहते हैं, राम सखा, ये राम जी का सखा है। और भरत जी ने सुना, सुन स्यंदन त्यागा, रथ से कूद पड़े। अच्छा रथ से क्यों कूद पड़े? इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि अयोध्या का राजा और ये श्रृंगवेरपुर के सामान्य शासक को देखकर रथ छोड़ दे। गुरुदेव आपने कहा कि राम सखा, मैं राम जी का सेवक हूं, ये राम जी का सखा है। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। और सेवक रथ पे चढ़ा रहे और सखा धरती पर पड़ा रहे, यह भक्ति भाव की मर्यादा नहीं है। तो सखा को देखकर सेवक रथ से कूद पड़ा। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाय। देखो भक्ति की दृष्टि का चमत्कार है। अब वहां लक्ष्मण हैं कि नहीं, पर भरत जी को दिख गए। भरत जी को निखाद राज में लक्ष्मण जी दिख गए। और जब निखाद राज पूरे समाज को लेकर श्रृंगवेरपुर गए, राम घाट का दर्शन कराया कि यहां श्री राम जी ने स्नान किया, भरत जी तो गिर गए और चरणों में क्या धरती पर गिर गए। कैसा लगा? का राम घाट कहा कीन प्रणाम, भा मन मगन मिले जनु राम। ऐसे लगा जैसे आज
राम जी ही मिल गए, क्या कहूं आपसे। और रात्रि के समय सब सो गए। निखाद राज ने कहा, आप सोए नहीं, जिन नैनों में नीर हो उनमें नींद कैसे, जहां रोना हो वहां सोना कैसे, तो विश्राम कब मिलेगा, राम जी का विश्राम स्थल दिखा दो। चले सखा कर सो कर जोरे, वहां शिशुपा वृक्ष के नीचे श्री भरत पहुंचे, वृक्ष को प्रणाम किया। निखाद राज ने कहा, वृक्ष सौभाग्यशाली हो गया। भरत जी ने कहा, हो नहीं गया है, अभागा कौन। माता कौशल्या ने कहा, बड़ भागी बन अवध अभागी। प्रणाम किया और जब राम जी की साथरी देखी, पूज्य श्री बिंदु जी महाराज का वह बड़ा प्रसिद्ध भाव है, इसमें कहते हैं कि राम जी इस सोने के महलन में चंदोबा चारु मोतिन के, हीरन की झालरे हिले हिलोर खाए, ऐसे भवनों में निवास करें। और आज सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए। यहां भरत जी रोने लगे और राम जी की साथरी तो देख ही लू, सीय साथरी देख बेहनत हृदय नहारि हर पवित कठिन विषय। निखाद राज समझाते हैं, उसी समय स्वर्ण बिंदु मिले, ये कहां से आ गए। निखाद राज ने कहा, भरत जी जैसे आज आपकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं, इसी तरह राम जी आंसू बहा रहे थे आपकी याद कर, और मैंने देखा जब जब व्याकुल हो तो आपको रोते हुए देखकर सीता जी व्याकुल हो जाए, तो जब जब व्याकुल होत सी अति ही पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए महि गिरत कनक बिंदु होए जात। श्री सीता जी के नेत्रों से गिरते आंसू और धरती पर गिरते तो स्वर्ण बिंदु हो जाते। श्री भरत जी ने कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सीय सम लेखे। रात्रि भर विश्राम हुआ, सवेरे पूरे दल को चला दिया, पर भरत जी आज पैदल पैदल आए। शाम को पता लगा, भरत तीसरे पहर कांकीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बस दो प्रसंगों की एक झलक और फिर विराम। श्री भरत प्रयाग में आए, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन बहुतों ने किया होगा, लेकिन जैसा श्री भरत जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बहुतों ने किया, पर एक भक्त ने कहा कि देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधेरी आंखें। श्री कृष्ण को का दर्शन करने के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए, और सही बात भी है, आत्मदर्शन के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, संत दर्शन के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए, और भगवान को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम, एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग पधारे, दिन भर कुछ कार्य था तो आधे दिन में ही पूरा हो गया, सोचा संगम स्नान करें। कुल पूज्य पंडा जी के पास गए, पंडा जी संगम स्नान, पंडा जी बोले जरूर, यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है आप। अच्छा ठीक है, लेकिन मालवीय जी बोले, पंडा जी जो आप संकल्प मंत्र बोले, श्लोक शुद्ध, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। पंडा जी घबराए कि जो कुछ शुद्ध आता भी होगा इनके डर से और भूल जाएंगे, लेकिन अब कह देंगे तो यजमान हाथ से जाएगा, तो कहा नहीं नहीं चलो सब सब गंगा मैया ठीक करेंगे, यमुना मैया आप तो फिर आ जाओ। नाव में बिठा के चले, पर सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे। मालवीय जी रास्ते में फिर बोले, पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। पंडा जी बोले हाँ याद है। अब संगम में ही पहुंच गए, अब कट पर्यंत जल में खड़े हुए मालवीय जी, पंडा जी खड़े, अब बस संकल्प मंत्र बोल। तब तक मालवीय जी बोले, पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। तो पंडा भी खींच गए थे इतनी देर से सुनते सुनते, तो पंडा जी बोले, मालवीय जी एक बात बताओ, आप कहाँ खड़े हो। का संगम में। का किन का संगम में। का गंगा जी यमुना जी सरस्वती जी। अच्छा गंगा जी कहाँ। तो मालवीय जी बोले, ये गंगा जी यमुना जी, ये यमुना जी आई और सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुख से निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त है। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला, तो मालवीय जी जहाँ सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हो।
यहां सरस्वती लोग थे। मालवी जी को खिलखिला के हंसे और पंडा की युक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए कि वाह पंडा जी आप अद्भुत बात कही। तो पंडा जी ने अपनी दृष्टि से देखा लेकिन भरत जी ने किस दृष्टि से देखा? देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। उन्हें गंगा जी की धवल धारा में श्री सीता जी का दर्शन हुआ और यमुना जी की श्याम धारा में राम जी का दर्शन हुआ। जिन्हें गंगा यमुना में सीता राम दिख रहे हों ये भक्त की दृष्टि है। एक भक्त ने कहा कि न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती। ये भक्त की दृष्टि।